अब जब ये अपनी शेयरिंग कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये बीमारी क्या क्या कराती है फोर्टीन को आपके बेटे की शादी थी तो आ, क्या सिचुएशन बनी शादी में तो थोड़ी ठीक थी, थी। बारह को जो सगन था वो भी निकले कोकटल दस को भी थी तेरा ने बहुत ड्रिंक कर ली तो अंदर कपड़े खोल के अपने सभी मुझे पूछी जान कहाँ कहाँ मैं अंदर लेटे हुए मैंने इतना शोर नहीं किया तेरा उसको फिर सुबह भैया ड्रिंक

हाँ जी तो so, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो ही चल रहा था रहा नहीं।, जान नहीं करता तो लग कर लगा दे, भे। जो भे नहीं है ये नहीं मानते नहीं किसी बात के लिए चोरी भी दी है सब कुछ किया है मैंने हमारे पेशेंट नहीं मानते हैं तो इलाज कैसे कराते है मतलब शेयरिंग कर रहा है ना तो हम अपना भी समझ ले फैमिली ने ट्रीटमेंट नहीं कराया फैमिली ने ट्रीटमेंट का अगर जिम्मा नहीं लिया बिकॉज़ अल्टीमेटली अभी भी तो लाना पड़ा ना मैम जी जी। है ना तो अगर तो पहली बार हॉस्पिटल आते हैं हमें सात दिन दैट मींस फोर्टीन मीटिंग्स, चौदह सेशन लगते हैं और उसके बाद में आपको क्लिनिक में नीचे बुलाकर भी एजुकेट किया जाता है तो इतने सारे सेशंस के बाद भी अगर आप नहीं अंडरस्टैंड करते हैं अभी भी आप इतनी देर बाद बोल रहे हैं पेशेंट करेगा पेशेंट करेगा पेशेंट को ट्रीटमेंट में लाना पड़ता है वही जबरदस्ती लाए जब मुझे नागी मांगे फेरा डाले ना जानना थे चलो गाड़ी में बैठाया पर इधर लेके आए हम सुबह सुबह ही पी ली थी उन्होंने हम तो उधर ही जा रहे थे बस यही बजा वही मारिए थे आप सर कल की मीटिंग में कुछ टेक होम कुछ आप समझे इधर पास कर दीजिए आपकी लाइन में लास्ट में कुछ भी जो कल आपने सर की मीटिंग सुनी सर ने काफी डिटेल में एक पेशेंट का स्टेटस बताया आपको क्या चीज समझ में आई आप क्या चीज शेयर करना चाहते यही है मैडम घर जाके जो भी अभी वो वापस नहीं करना

एंड बीमारी नीड्स ट्रीटमेंट आपका कोई सवाल मैम <laughs> आप पेशेंट के जो पेशेंट के टेस्ट आए हैं वो टेस्ट रिपोर्ट देख के और ये कंडीशन देख के आपके दिमाग में क्या चल रहा है जैसे प्लीज शेयर बिकॉज ये काफी सीरियस सिचुएशन है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं बस यही जल्दी रिकवर हो जाए क्या कभी इनका इलाज नहीं हुआ पहले कभी नहीं इलाज तो हुआ है नहीं इस तरह का नहीं हुआ वैसे ठीक हाँ जी और सर आप क्या शेयर करना चाहते हैं कल की मीटिंग से कोई टेक होम मैम सीखा है बहुत कुछ यहाँ के कैसे संभालना है जो मरीज है लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि मरीज अभी भी जहाँ आने को तैयार नहीं है पर सुनने को। मरीज क्यों तैयार नहीं है मरीज मैं अभी आपने तीन दिन से खाना नहीं खाया हो और मैं बोलूं बाबा जी का पाठ करो <laughs> कर पाओगे आप नहीं बस यही मरीज का हाल है उसको अभी तोड़ बज रही है ठीक अभी है। उसको क्रेविंग हो रही है अभी उसकी मत नहीं खुली है अभी एक उसका फिजिकल शारीरिक प्रोसेस चल रहा है सर ने कितना डिटेल में बताया अभी वो पेन में है पेन में। जितना आपको सर ने बोला कि जो हम तीन मरीज को दवाई देते हैं वो हमने आपके बेटे को दी तीन मरीज की दवाई मिला के आपके बेटे को दिया है तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि कितनी बढ़ चुकी है उसकी बीमारी ठीक है अब लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है वो भी जेन्युन है वो एक बाप बोल रहा है उसको बिठाओ उसको कुछ समझ में आए हमें ना अर्ज होती है हमारा पेशेंट क्या बैठा हो फिर जब सर बोल रहे हो आए, कोई कर रहा होता है और वो हमारे काम की बात होती है ना हम हर थोड़ी देर बाद अपने पेशेंट को देखते हैं सुन रहा है ना इसे समझ आ रही है ना hmm. अब आप सोचो जिसका तो दिमाग खराब है उसको आप चाहते हो समझ आए hmm. मगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि उसको समझ नहीं आ सकती सोचो हमारे अंदर कितनी स्ट्रांग अर्ज है ये जल्दी से समझ ले इसको बिलाओ ये सारी चीजें सुने तो अगर उसकी समझ काम कर रही होती तो वो ब्रेन के हॉस्पिटल में होता क्यों हाँ, आता क्यों नहीं पर अच्छी बात है आप दिमाग से जितनी बार निकालोगे जितनी बार आपको आगे से जवाब मिलेगा हम हम भी समझेंगे हाँ जी कि अल्टीमेटली सबसे पहले हमने अपने ऊपर काम करना है पेशेंट को बाद में समझ आनी है पेशेंट की बस की नहीं है ना ना? ये बात है और जो आपने पहली चीज कही कि बहुत कुछ सीखा हमने मगर जब तक इन चीजों को हम अप्लाई नहीं करेंगे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो जो जो चीज हम यहाँ पर सीखते हैं उसको अप्लाई करना है